अच्छा, सबसे पहले तो यानी कि जो अभी रिसेंटली हमारे अर्शन नदीम भाई जो हैं वो हमारे उन्होंने जेवलन थ्रू का जो है ना फाइनल जीता है और गोल्ड मेडल पाकिस्तान को लेके दिया है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप सब लोगों को ये भी बताते चलें कि अर्शन नदीम ना सिर्फ मेरे शहर मियाँ चन्नू का है बल्कि वो मेरा गाँव जो है बंजारी, जहाँ से मैंने भी पढ़ा, उसी स्कूल से उसने एजुकेशन हासिल की है जो इब्तदाई तालीम है, और हमारे गाँव के बिल्कुल साथ वाला गाँव 101 चक्कर रहने वाला है और 105 चक्कर बंजारी जो मेरा गांव है वहां का वो रहने वाला है। तो इस हिसाब से हमारा ग्राई भी है उसको, उससे बहुत दफ़ा हमने फिज़िकली देखा भी है, मुलाकात भी की है उससे, लेकिन ये है कि फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बनाई उसके साथ उस वक्त। तो उसको जो है ना अल्लाह ताला और ज़्यादा कामयाबी अता करे। और बाकी ये है कि वो एक बिल्कुल जिस लेवल से गया है वो आपको पता ही है कि बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके बगैर किसी गवर्नमेंट के, बगैर किसी इदारों की जो है ना हेल्प के वो यहाँ तक पहुँचा है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है जो इस तरीके से जा सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर जो है ना मिलती नहीं है उनको, तो इस वजह से बहुत सारे लोग रह जाते हैं, अपने ख्वाबों की तबीर नहीं मिलती उनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में 3 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई हैं, उसकी रीज़न क्या बनी। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि डिफरेंट चीज़ें उन्होंने स्पार्क किया जिसकी वजह से ब्लास्ट हुए, कुछ लोगों ने कहा लैपटॉप की बैटरी कहीं पे ब्लास्ट हो गया उसकी वजह से, कुछ लोगों का मोबाइल ब्लास्ट होने का, लेकिन जब एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की गई तो पता चला कि जिस घर में पहला सबसे पहला ब्लास्ट हुआ उस घर के अंदर एक लड़का लैपटॉप यूज़ कर रहा था जिसकी बैटरी के अंदर से स्पार्किंग हुई है और ब्लास्ट हुआ, पूरे घर के अंदर कोई 6 से 7 लोग मौके पर ही दम तोड़ गए। एक और दूसरा वाक्य में जो हजाम की दुकान पे पेश आया जिस पे एसी लग चल रहा था या एकदम ब्लास्ट हुआ जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है। फिर एक तीसरा एक पार्लर के अंदर धमाका हुआ जिसमें 4 से 5 लोगों की डेथ हुई, टोटल कोई 14 के करीब जो है कैजुअलिटीज़ रिकॉर्ड हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे वाक्य के अंदर हुआ क्या है, प्रोसेस में मसला कहाँ पर पेश आया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मोटिवेशन आती है। बाकी अब आते हैं एक्चुअल इंसिडेंट की तरफ। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल ब्लास्ट हुआ है उसमें जो है ना तो भी बैटरी किसी की ब्लास्ट हुई है ना मोबाइल की वजह से धमाका हुआ है। एक्चुअल हुआ ये है कि जो सबसे अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में T5 कंप्रेसर या T3 कंप्रेसर आ रहे हैं उनमें एक लेटेस्ट गैस यूज़ हो रही है जिसकी वजह से पूरे के पूरे इंसिडेंट्स हुए। तो ये कैसे प्रोसेस होता है सारा इंसिडेंट, इसको आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि पहले कौन कौन सी गैसेस यूज़ होती रही हैं हमारे एसीज के अंदर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन सी गैस रिप्लेस हुई है और किस वजह से धमाका हुआ। इसमें जो सबसे पहले जो यूज़ होती थी 90s के दौर में जो गैसेस यूज़ होती थी उसमें CFCs की गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेस यूज़ होती थी जो कि जिसमें क्लोरीन एक मेजर कंपोनेंट होता था। और बाद में अमेरिका के अंदर एक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक लेटेस्ट रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि हमारी ओजोन की लेयर जो है ना, ओजोन क्या है बेसिकली, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके जो ना हमारी कोई ज़मीन से 50 किलोमीटर अबव जो है ना एक उन्होंने लेयर बनाई हुई जिसको ओजोन की लेयर कहते हैं, O3 उसमें होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो उसको जो है ना वो डैमेज कर रही थी वो गैस, CFC गैस जो थी ना पहले जो यूज़ होती थी एसी के अंदर, वो उसको डैमेज कर रही थी। और उसका पता चला अमेरिका के नासा के अंदर जो है ना रिसर्च हुई, उन लोगों ने देखा कि उसका होल का साइज बढ़ता जा रहा है। तो 90s के अंदर जब ये डिटेक्ट हुआ तो पूरी दुनिया में जो है ना CFCs को बैन कर दिया गया क्योंकि ये क्लोरीन जो है ना जाके ओजोन के साथ पेयर बना लेती थी और 120 ईयर्स इस क्लोरीन की लाइफ साइकिल था, वो 120 साल तक उसको ओजोन की लेयर को खाती रहती थी। तो उसके बाद सब लोगों ने इसको रिप्लेस करने का सोचा, रिप्लेस करके उन्होंने एक R22 गैस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई। गैस है उसके अंदर जो है ना क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन यूज़ होती है, इसमें स्टिल जो क्लोरीन की ये मेजर शामिल थी, उस क्लोरीन की वजह से जो है ना ये एनवायरनमेंट के लिए और लोगों के लिए जो है ना ये प्रॉपर यूजफुल गैस नहीं थी। तो उसको भी बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये भी जो है ना उससे अच्छी थी जो पहले CFC वाली गैस थी, लेकिन ये भी हार्मफुल थी। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना ओजोन लेयर डैमेज होने से उसको पास करवाने के लिए ये मेजर रोल था इसका, तो इसको भी बाद में बैन कर दिया गया। अभी भी उस पर स्टिल जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके अंदर ये गैस यूज़ हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के नतीजे में साइंटिस्ट ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसको जो है ना हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। जो क्लोरीन गैस है इसके R410 इंट्रोड्यूस करवाई गई, R410 और R32 गैस इंट्रोड्यूस करवाई गई। R410 इसका R32 का प्रीवियस मॉडल था,
और 410 के अंदर जो उसकी कंपोजिशन थी ना, रेफ्रिजरेशन गैस, उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, ये गैसेस जो ना ये कॉल्ड, इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये ODP, ओजोन डिप्लेशन जो पोटेंशियल है इसका बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको इम्पैक्ट, इसका उन्होंने माना कि बिल्कुल ओजोन के और ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम था कि ये जो है ना ये टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इस गैस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इसकी वजह से जो है ना हाइड्रोकार्बन थे इसके अंदर, उस उन हाइड्रोकार्बन्स की वजह से ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एनवायरनमेंट को जो है ना पोल्यूट कर रही थी। तो बाद में साइंटिस्ट ने इसका एक लेटेस्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ये गैस अभी भी स्टिल इन प्रोसेस है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर 80% लोग अभी भी स्टिल R410 गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी इसके साथ ही उन लोगों ने इसको जो रिप्लेस कर दिया गया R32 गैस के अंदर। अभी आते हैं R32 गैस की कंपोजिशन क्या है और ये क्यों जो है ना हाईली इनफ्लेबल। R32 रेफ्रिजरेंट है, इसको एक्चुअल जो है ना डाई फ्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको HFC-A फैमिली के साथ इसका लिंक है। और ये गैस जो है ना R410 से इसलिए इसका बेटर इम्पैक्ट है, इसको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बिल्कुल ज़ीरो है, और ये क्लोरीन फ्री भी है, और ये डैमेज भी नहीं करती चीज़ों को, जिसकी वजह से आजकल मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो नहीं इसको, लेकिन डेवलप वर्ल्ड के अंदर R32 को बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट जो है ना T1 और T3 कंप्रेसर्स आने शुरू हुए हैं, तो इसको जो है ना अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया 2-3 कंपनीज में, जिनके T3 कंप्रेसर्स आ रहे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो गुड बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करती है, और साथ में जो है ना इसकी प्राइस R410 से कम है, प्लस ये इसकी कूलिंग एफिशिएंसी 2.5 to 3% ज़्यादा है R410 से, और प्राइस इसकी जो है ना ऑलमोस्ट 25% चीपर है ये R410 से, जिसकी वजह से मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसको बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप रिमोटली जो है ना अपने इस नाइट्रॉक्स को हर जगह पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए अभी 6:57 टाइम है और इस वक्त भी जो है ना थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो रही है। मैं आपको आज का स्टैटिक्स चेक करवाता हूँ। आज बादल वगैरह रहे, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे एरिया में मौसम कैसा रहा है इस इन्वर्टर में, वो आपको बता देगा। और प्लस जो है ना आज देखें अभी 37 ऑलमोस्ट जो है ना यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं टोटल, जिसमें से 33 यूनिट्स जो है ना इसने ग्रिड को फीड कर दिए, और 5 यूनिट ऑलमोस्ट जो है ना घर के अंदर कंजप्शन रही, और घर में इस वक्त जो है ना वो फ्रिज चल रही है हमारा, इंटरनेट और एक जो है ना ब्रैकेट फैन चल रहा है। तो ये तीनों चीज़ों ने 5 यूनिट यूज़ किए हैं 24 आवर में। बाकी ये है कि ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड आप इसको एक्सेस करके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो जो कुछ आपने करना है यहाँ से कर सकते हैं आप। इन्होंने इसमें जो गैसेस यूज़ हुई हैं इसके मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, अभी जो इसको देखते हैं कि एक्सप्लोरिंग हुआ गया। बेसिकली जो R32 गैस है ना हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ये इसका एक स्पेसिफिक मिक्सचर जब ऑक्सीजन के साथ जो मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद जब इसको स्पार्क मिलता है तो ये ब्लास्ट हो सकती है। तो इसकी वजह से जो रूट काज जो है ना इसके, के जो पाकिस्तान के अंदर वर्कमैनशिप है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि हमारे जो प्लम्बर हैं, AC टेक्नीशियन हैं, बहुत थर्ड क्लास किस्म के हैं, उनकी बिल्कुल भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये वाकयात तो लीकेज की वजह से होते हैं कि जब आप प्रॉपर लीकेज टेस्ट, इसका फोम टेस्ट होता है, AC जब इंस्टॉल करवाते हैं तो फोम टेस्ट उसकी प्रॉपर 2-3 जगह से इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं। फोम टेस्ट में अगर लीकेज है उसको हर सूरत में आप 100% यकीनी बनाएं कि बिल्कुल आपकी कोई लीकेज ना हो, ठीक है। अगर आप उसको टेस्ट नहीं करवाएंगे तो उसका खमियाजा आपको पता ही है कि क्या है, ब्लास्ट है। तो कोशिश करें कि आप कोई अच्छे टेक्नीशियन को प्रॉपरली उसको जाना लीकेज टेस्ट करवा के उसका बिल्कुल वेरीफाई करें अपनी आंखों के सामने, बिल्कुल भी किसी बंदे पे ट्रस्ट ना करें। आपको पता पाकिस्तान के टेक्नीशियन इंथाई, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो लेवल है, उनका स्किल लेवल है बहुत ही ज़्यादा लो है। इसलिए आप कोशिश करें अपने सामने सारे टेस्ट करवा के फोम टेस्ट लाजमी करवाएं। सबसे जो सिक्योर इसका वे है कि आप लीकेज को लाजमी चेक करवाएं, जो ही लीकेज आपकी होगी ना और कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके छोड़ेगा तो वो हवा के अंदर आएगी, एयर मिक्स, एयर के साथ एयर फ्यूल रेशियो एडजस्ट होगी, तो कोई भी हल्का सा आप बटन दबाएंगे स्पार्क होगा तो वो लाजमी बात है वो ब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। आपको पता ही है कि जब एक हाईली फ्लेमेबल चीज़ जो है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके आप छोड़ेंगे और साथ स्पार्क मिलेगा, आग ने तो जलाना ही है। तो ये आप लाजमी इंश्योर करें और चेक कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में भी स्किल लेवल इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो कोशिश करें कि R32 गैस वाला कंप्रेसर ना लें, T3 कंप्रेसर मोस्टली उसमें आ रही है। इसकी एफिशिएंसी आपको पता है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर है R410 के साथ,
अगर कंपेयर करें तो आप थोड़ी सी एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज करें, थोड़ी सी ये चीपर भी है एज कम्पेयर टू 410, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है प्राइस का। आप कोशिश करें कि R410 वाला कंप्रेसर ही यूज़ करें और उसको प्रॉपरली चेक करवा के इंस्टॉल करवाएं। आज की जो वीडियो थी ना, आज स्पेसिफिकली मैंने कहा ये एक इंसिडेंट भी रिसेंटली हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कर दें। हमारा चैनल का मकसद ये है कि आवाम को लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में किस तरीके से लेनी है। बाइंग गाइड्स के अंदर मैंने T3 कंप्रेसर का रिकमेंड किया था कि आप लाजमी लें, इसकी एफिशिएंसी, उसकी कूलिंग, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ना काफ़ी कम है। तो आप कोशिश करें कि ये सारे जो आपको जो एडवाइस की गई चीज़ें इनके एज पर स्पेसिफिकेशन और एज पर चीज़ों के इनको इंस्टॉल करवाएं और चेक लाजमी करें। किसी बंदे पर ट्रस्ट करने का ना सोचें क्योंकि आपकी ज़िंदगी का, आपके बच्चों की ज़िंदगी का इंसार इसी चीज़ के ऊपर है। तो आप इसको प्रॉपरली जो है ना सेल्फ चेक करके इंस्टॉल करवाएं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।